खरगोन जिले के भिकनगांव में पारिवारिक विवाद के चलते महिला को 100 डायल पर कॉल करना भारी पड़ गया। महिला ने बताया कि उसका और उसकी सास की पारिवारिक बात पर कहासुनी हो गई। महिला ने 100 नंबर पर कॉल किया और उसके पश्चात पुलिस वाला गाड़ी से उतरने के बाद पूछा कि किसने कॉल किया था। महिला ने बताया कि मैंने कॉल किया। उसी के उपरांत पुलिस ने गाली गलौज करते हुए महिला को डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिलहाल महिला ने SDO ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा दी। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। क्यों ये जो अभी तुम्हारी जो यहाँ पे रहती है मालती वर्मा करके, इन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस वाले को उस दिन बुलाया था 100 डायल में आपसी विवाद के चलते, तो पुलिस वाले तो उल्टा आके इनको डंडे से मारा। सही बात है क्या? हाँ, ये सही बात है। क्यों मारा? सही बात है। आज उन पे हाथ उठा दिया, कल किसी और पे हाथ उठा दिया। मालती वर्मा उसका क्या कसूर था जो मारा उससे? कुछ भी नहीं कसूर था, कहीं नहीं कुछ था, कहीं नहीं। बोल चाल हो गई थोड़ी थोड़ी का दिमाग खसक गया जरा, तो उसने पुलिस बुला ली कि साथ बुला करके थोड़ी बच हो गई घर में। ये आपके साथ में जो घटना हुई है आज मंगलवार के दिन, पुलिस वालों ने आपको बिना कारण से मारा है, क्या कारण था? कारण ये था कि मतलब मेरी सास और मेरे मतलब बीच हमारे यहाँ विवाद हो गया था, तो मतलब थोड़ी अनसुनी हो गई थी घर के मामले में, तो मैं मतलब थोड़ी परेशान हो गई थी और थोड़े गुस्से में आ गई। मैं मदद मतलब तो मैंने मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल कर दिया था कि वो मेरी मदद करेंगे, मतलब इतना परेशान कर रहे, तो मैंने उनको कॉल किया, तो 100 नंबर पर कॉल किया तो 15 मिनट बाद पुलिस वाले आए भी घर पर, पर वो घर पर आए और डायरेक्टली उनने गाली गलौज चालू कर, कौन है वो? तो मैंने बोला कि सर मैंने किया था, मेरी सास और मेरे बीच में विवाद हो गया था इसलिए मैंने कॉल किया था, तो आप मेरा समाधान करें इसी के लिए मैंने कॉल किया। तो सर ने डायरेक्ट ये पूछा कौन सी जाति के हो और क्या मतलब क्या काम करते हो, कौन है तुम्हारा पति? तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने डायरेक्टली ये बोला कि सर मेरे साथ जो समस्या है उसका समाधान करो, तो उनने मतलब गाली गलौज चालू कर दी और डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि मतलब माँ बहन की गालियाँ देने लगी। तो मैंने सर को बोला कि सर आप मुझे माँ बहन की गालियाँ मत दीजिए, मैं जैसे बात कर रही हूँ आप भी मेरे साथ ऐसे ही बात कीजिए और जो मेरी समस्या है उसको सुनिए। तो उनने मेरी बात को ना सुनते हुए और ये कहने लगे, बोले साले भील लोग हो, बोले जब मतलब कुछ छोटी मोटी बात हुई तब बोले कि फ़ोन लगा के 100 नंबर पे और हमको परेशान करते हो बोले कि, और उनके हाथ में नीले कलर का मतलब पाइप था, वो गाड़ी में था, तो मतलब घूम के गए गाड़ी में से पाइप निकाला और लाकर मुझे यहाँ पर मार दिया। तो यहाँ पर मेरे को मारा, यहाँ पर मारा, उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक मारा एक कमर में, फिर एक यहाँ नीचे साइड मारा, तो मतलब ये काफ़ी सूज गया था। 3 दिन तक मैं घर में बीमार पड़ी रही, जिस दिन मेरे को मारा था उस दिन तो मुझे होश भी नहीं था, मैं घर में आई तो चुपचाप गिर गई। मेरे को मारा ना जब उस टाइम ये मेरा बच्चा भी साथ में ही था, तो इस तरह से मैं खड़े होकर उनको उनकी मेरी समस्या बता रही थी, और उनने जिस टाइम मुझे मारा तब मेरा बच्चा इसके सिर पर भी लगा, तो ये डर के मारे दूर हट गया और दूर से देखने लगा मेरे को वो मार रहे थे। तो जब मेरे को मारा तो मैं अंदर गई ना, तो मैं ऐसे कैसे गिर गई, तो उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया और कुछ नहीं। रात को मेरे पति आए तो उनको मैंने ये समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, मतलब घर में थोड़ा सा विवाद हो गया था जिसको मैं सहन नहीं कर पाई, और मैंने मतलब पुलिस वालों को फ़ोन लगाया कि मेरी हेल्प करेंगे, मेरे घर की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।